बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो सैफ सेकंड ईयर हमें, आप जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 19 को स्टार्ट किया। हमने चैप्टर 19 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस हमने फर्स्ट 4 to 5 क्वेश्चन किए थे, आज हम उससे नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेक्चर का आपका टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है ना बच्चों? अगर आपके पास क्वेश्चन स्किप हो गए तो नो प्रॉब्लम है। तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का 12 क्लास फिजिक्स, जहाँ पर जाकर आप उसको स्टडी कर सकते हैं। मैंने एक सीक्वेंस में तरतीब वाइज अपलोड किए हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आप सर्च भी कर सकते हैं चैप्टर 19 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जिसमें हमें गिवन है जी, सिंस मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास एक एनर्जी की फॉर्म है, एंड कैन बी कंक्लूडेड कंप्रेस स्प्रिंग हैज मोर एनर्जी देन द नॉर्मल वन, ठीक है ना, इज नॉट कंप्रेस्ड। ठीक है, हाँ, दो स्प्रिंग है, एक आपके पास कंप्रेस्ड है, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और ये इसकी नॉर्मल हालत है। दोनों हालत में ज्यादा एनर्जी किसमें स्टोर है, ज्यादा मास किसका है, ये हमने बताना है। तो अगर आपको याद हो, हमने फार्मूला पढ़ा था E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। हमने अगर यहां से निकाले तो आप कह सकते हैं डेल्टा ई ओवर सी स्क्वेयर। तो यहां से अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन से दैट स्लाइटली इंक्रीज इन मास, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन एनर्जी, अब एनर्जी में चेंज कैसे है? हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में, आपने फर्स्ट ईयर में 10 में पढ़ा है कि कंप्रेस होता है तो पोजीशन होती है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कंप्रेस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है नॉर्मल की निस्बत। इधर ये क्योंकि इधर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इतनी, इधर ज्यादा है। ठीक है, हाँ, तो इसकी निस्बत यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, दैट्स व्हाई एनर्जी ज्यादा है आम की निस्बत। ठीक है ना, तो इस वजह से जो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी होगी इससे स्लाइटली मास आपका इंक्रीज कर देगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन है, कहता है एज अ सॉलिड इज हीटेड एंड बिगन टू ग्लो, एक सॉलिड को गर्म करते हैं और वो ग्लो करता है, फिर इसका मतलब कहता है कि व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड, वो सबसे पहले रेड क्यों होता है, ये बताना है हमें। तो बेटे आपको अगर मैं दोबारा बता दूं, आपको ये बात बहुत बार बताई है कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, चैप्टर 20 में आप पढ़ोगे उसको अच्छे से, जिसमें सबसे ये जो विजिबल हिस्सा है, विजिबल वाला हिस्सा है, विजिबल लाइट में सबसे लो एनर्जी जो है ना वो किस कलर की है आपको पता है? वो हमारे रेड कलर की है, रेड कलर की एनर्जी सबसे लो है, दैट्स व्हाई इट फर्स्ट अपीयर रेड, क्योंकि वो गर्म होना शुरू हुआ है, अभी उसकी स्लो सबसे कम एनर्जी है और इसलिए सबसे पहले रेड आता है, याद रखिएगा इस बात को। और जो सबसे हाई एनर्जी है ना, सबसे हाई एनर्जी, ये भी आपको चले याद बता देता हूँ, सबसे हाई एनर्जी जो है ना वो किसकी होती है बच्चों? ब्लू कलर की। किसकी होती है बच्चों? ब्लू कलर की। यही आपने रीजन है, आपने देखा होगा कि जो मॉस्किटो को किल करने वाली मशीन होती है, जो रोड होते हैं जो हमने लगाए होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टोर पे, ताकि मच्छर कम हो जाए, मर जाए, तो आप देखते हैं मच्छर उस रोड से टकराता है, वो उसकी वहीं पर बेचारा अलग हो प्यारा जाता है। खैर, तो क्योंकि उस ब्लू की लाइट की एनर्जी बहुत हाई है, डैश वाई उसकी वहीं पे हो जाती है, अगर रेड में लग रहेगा तो उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़े, हो सकता बच जाए, ठीक है, हाँ, लेकिन रेड से उसके बचने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में आप कह सकते हैं कि क्योंकि रेड कलर हैज मिनिमम एनर्जी और डैश वाई इट फर्स्ट अपीयर रेड, ठीक है, अगर ब्लू की, अब जाहिर सी बात है, देखो मेरी बात सुने, आपको मैं समझाता हूँ, ये हमारे पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड को मैंने गर्म करना शुरू किया, इसको मैंने हीट देना शुरू की, इसको मैंने हीट देनी शुरू कर दी, लो जी ये अब इसको हम हीट दे रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको हीट देंगे, जब हम इसको हीट देंगे तो बेटे क्या होगा, इस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर राइज करेगा,
ठीक है, लेट्स से सबसे पहले अगर 1000 टेम्परेचर हुआ इसका तो ये रेड हो गया, 1200 पे जाके ये ऑरेंज हो गया, 1500 पे ये क्या हो गया येलो हो गया, और 1800 पे जाके ये ब्लू हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी अंदर ज्यादा होती जाएगी, और एक वक्त सबसे हाईएस्ट पे ब्लू है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए वैसे ही बताया, ठीक है, तो आपको ये चीजें वैसे ही पता होनी चाहिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, What happened to the total radiation from a black body if its absolute temperature is double? Absolute temperature is double. तो बेटे अगर आपको याद हो, हमने स्टीफन बोल्ट्ज़मैन का ला पढ़ा है इसी चैप्टर में, जो हमें कहता है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट की फोर्थ पावर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां हमने इक्वल लगा के सी ए कॉन्स्टेंट यूज किया था, इसे बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू भी आपको बताई थी। तो हमें आप सवाल पे अब गौर करें, सवाल कहते हैं अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को डबल करें, मतलब देखें आपका टेम्परेचर हो जाएगा डबल, अच्छा इसका मतलब है तो एनर्जी क्या होगी, 2 × 4 पावर क्या होता है 16 होता है, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16। तो देखें हमारे पास एनर्जी बन जाएगी 16 × 4, तो ये 16 आप कॉमन भी दे सकते हैं, अगर आप इसको डैश बोले तो ये डैश डैश और ये नॉर्मल है, तो यहां पर ई डैश उसके 16 टाइम हो गया एनर्जी का, कितने टाइम हो गया 16 टाइम्स, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरह अगर वो ये 2 × 4 अगर 3 टाइम बोले तो उसका 3 × 4 = 81, तो ये डिफरेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 5 × 4 = 625 टाइम्स, तो ये आपको चीजें फिंगर टिप्स पे याद हो, ठीक है, स्क्वायर रूट तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चे 5, 6, 7 में पढ़ते आ रहे हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच फोटोन रेड ब्लू ग्रीन एनर्जी द मोस्ट एनर्जी एंड मोस्ट मोमेंटम, ठीक हो गया, सबसे हाई एनर्जी किसकी है, सबसे लो वेवलेंथ किसकी है, शॉर्ट वेवलेंथ। तो बेटे अगर आपको याद हो भी मैंने इस क्वेश्चन नंबर 6 में बताया, सबसे ज्यादा लो एनर्जी किसकी होती है, रेड कलर की, सबसे हाई होती है ब्लू की, ठीक है। चलो दोबारा लिखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम, 8 की, क्वेश्चन 8 में हमें उसने कहा है फोटोन है हमारे पास, फोटोन, ठीक है, फोटोन है, अच्छा एक रेड है ओके, एक ब्लू है ओके, और एक ग्रीन है ओके। अब उसने पूछा है सबसे ज्यादा हाई एनर्जी किसकी है, सबसे लो किसकी है, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी किसकी है जी, आपको मैंने पहले बताया ब्लू की सबसे हाई है, रेड की सबसे लो है, और ये ग्रीन जो है कह लो इनके मिड में है, क्योंकि उसने हाई लो पूछा इसलिए उसको फिर भी मैंने बता दिया। ये क्या है जी हाई लो, ये क्या है जनाब, एनर्जी, ये फोटोन की एनर्जी है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ सबसे हाई वेवलेंथ है इसकी रेड कलर की, और सबसे लो ब्लू की, शॉर्ट कह सकते हैं आप, शॉर्ट का वर्ड भी, शॉर्ट वेवलेंथ का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, और इसकी मिड में कह लेंगे दोनों के। अब ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, इसका भी एक फार्मूला आपने पढ़ा, E is equal to F lambda, ठीक है, और आपने एक और फार्मूला पढ़ा है बच्चों, वो क्या था कि HF था, सॉरी E is equal to HF, और इसको हम अगर F की वैल्यू पुट करें HC over lambda। तो देखें एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी, एनर्जी कम होगी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसे ऑनवर्ड के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें।
चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन। और एक और बात, मेरी इस 12th क्लास फिजिक्स की प्ले लिस्ट है, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक समझना है आप मेरी वहां से लिस्ट में जाके, आप उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है 12th क्लास फिजिक्स प्ले लिस्ट का, जिसमें मैंने ये लेक्चर्स अपलोड की हैं तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ। अगर आप सर्च भी कर सकते हैं कि चैप्टर 19 एक्स है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, उधर पार्ट 1, 2, 3, 4 अपलोडेड है। ठीक है बचवा जी, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।